शादी मुबारक मिराज, फाइनली मिराज की शादी हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इज 4 o'clock इन द मॉर्निंग, इट्स टाइम टू बैक फॉर मुंबई। सो हमारी 2 बजे की फ्लाइट है। सो अभी यहाँ से हमारा 6 या 7 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो हम लोग को मॉर्निंग में निकलना पड़ेगा, 4 बज रहे हैं अभी। सो चलो फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग को मैं। फाइनली लीविंग, 5 बज गए, 4 बजे उठे थे एंड अभी ऑटो में बैठ के, ऑटो 2-2.5 घंटे दरभंगा के लिए, दरभंगा से बस है, उसके बाद फिर ऑटो है एयरपोर्ट। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, तो बाहर का कुछ दिखेगा तो नहीं, जैसे उजाला होता है फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सो अभी फिलहाल फ्लैश से काम चला रहा हूँ। फाइनली वी आर रीच दरभंगा बस स्टैंड। सो अभी यहाँ से हम लोग बस ले रहे हैं, एसी वाली बस, पटना स्टेशन जाने के लिए। तो ये जो आप लोग को लुक दिख रहा है, ये ठंडी की वजह से बहुत ठंड है, हाथ एकदम बर्फ हो चुका है मेरा, इसीलिए पूरा पैक किया हुआ है। पटना पहुंचने तक शायद थोड़ी ठंडी कम हो जाएगी, फिर शायद फेस आप लोग को दिखा दूंगा मैं। हाँ देखो, अलग ब्लॉग बना रहा, कॉपी कॉपी कॉपी, एक और एक ब्लॉगर पैदा हो गया, कॉपी कॉपी। तो आलम को गुस्सा आ गया, तो आलम भी अपना ब्लॉग बनाने लगा। हाँ, अभी नियाज को फोटो निकालने का शौक चढ़ गया। तो अभी सब लोग पटना उतर के बात करेंगे, तो भी आप लोग बाहर का नज़ारा एंजॉय कीजिए। तो फाइनली वी आर रीच्ड एट पटना बस स्टैंड। सो हम लोग 6:30 बजे बस पकड़े थे, मेरे को लगा था कि 5 या 5.5 घंटा लगेगा, बट सुबह का टाइम था तो रोड खाली था, तो हम लोग को 4-4.5 घंटे में हम लोग को यहाँ पे पहुँचा दिया। तो फ्लाइट तो है हमारी 1 बजे की, बट अभी भी हमारे पास टाइम है 2 घंटे का, क्योंकि हम लोग पहुँचे हैं अभी 9:30 बजे, 10:11, फिर 12 बजे हम लोग एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो अभी भी 2 घंटा है, तो यहाँ पे लेट्स सी, हम लोग मार्केट घूमते हैं, यहाँ पे लोकल क्या है, यहाँ पटना में स्पेशल क्या मिलता है, तो घूमेंगे, फिर 2 घंटे बाद जाएंगे, क्योंकि अभी जाके तो कोई मतलब है नहीं वहाँ पे, क्योंकि 2 घंटा पहले ही आ गए हैं। बट फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रख के चल रहे थे, बिकॉज कभी भी ट्रैवलिंग का टाइम है, कभी भी ट्रैवलिंग कर दो तो 1-1.5 घंटा अपने पास सेफर साइड में रख के चलना चाहिए। कभी लेट्स सी, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ लोकल घूमते कुछ मिला तो फिर आप लोग को बताता हूँ मैं। सो पटना की गलियों में ढूंढते हुए एक होटल सुबह सुबह का नाश्ता करने के लिए, बिकॉज निकले थे 4 बजे, तो नाश्ता तो कर नहीं सकते, तो अभी तो नाश्ता करना पड़े, 2 घंटा है तो उसका यूज़ तो लेना चाहिए। एक होटल मिला है हमको, लेट्स सी, देखते हैं। हम लोग आए थे पटना से लास्ट टाइम, तो हम लोग रात में पहुंचे थे अराउंड 8:00 PM को, क्योंकि हम लोग कितने बजे यहाँ पे लैंड हुए थे, 12:30 को लैंड हुए थे, तो मतलब हम लोग को कम से कम 5 से 5.5-6 घंटे हम लोग ट्रैवलिंग में लग गए थे। सो मैंने इसकी वजह से, मैंने आज आना था तो मैंने बोला जल्दी निकलते हैं, 1-1.5 घंटा रख के, क्योंकि आगे ट्रैवलिंग को इशू ना हो। फिर भी अभी मॉर्निंग में मुझे नहीं पता कि इतना खाली होता है, तो हम लोग इसीलिए जल्दी आ गए। पूरी दुनिया में खाली रहता है, सबको पता है, और ये 3-4 घंटा। आप किसी दूसरे शहर में आए हो तो थोड़ी ना आपको ऐसा कर सकते हो कि आराम अपने टाइम से ही निकलोगे, एक्स्ट्रा टाइम रख के निकलना चाहिए ना। इन लोगों को सीढ़ हो रही है, लोग 2 घंटा पहले आ गए, 2 घंटा नहीं 5 घंटा पहले। अभी एक होटल में यहाँ पे आए हैं पटना में, बाहर से तो हालत ख़राब ही है, अंदर का फूड क्वालिटी देख लेते कैसा है, उसके बाद आप लोगों को मैं रिव्यू देता हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। चाहिए था मुझे ऑमलेट खाना था, बट वो तो मिला नहीं, तो अभी क्या मंगा है? तो 1 रेटिंग माइनस हो गई है ऑर्डर का। हाँ, 1 रेटिंग माइनस हो गई। तो क्या मिला अभी? चिकन चिल्ली तो मॉर्निंग में चिकन चिल्ली और पराठा खाएंगे, तो आप लोग को फिर रिव्यू देता है कि कैसा है कैसा नहीं। तो कभी आप लोग आएंगे तो ये होटल में आना, पहले रिव्यू देने के बाद। तो फूड क्वालिटी की बात करें, ज़्यादा अबाव एक्सपेक्टेशन नहीं था, नॉर्मली था, और धूप अभी आ रही तो एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, बट ठीक था, मतलब नाश्ते के हिसाब से ठीक था, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं था, ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। पहली बात तो ना कॉफ़ी था, ना चाय था उनके पास, ना अंडा था, खाली चिकन चिल्ली रखे थे, तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, हमको भी खाना था, तो क्या करते, वही खाते थे। सो राइट नाउ इज 10:45, तो अभी हम लोग यहाँ से
तो अभी हम लोगों ने यहाँ से ऑटो ले लिया एयरपोर्ट के लिए, तो अभी एयरपोर्ट उतर के आप लोग का मिलता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए पटना एयरपोर्ट। टाइम तो बाकी अभी भी 1.5 घंटा है हमारे पास। सब अपना चेकिंग वेकिंग करा के अंदर ही बैठते हैं, ऐसे बाहर वैसे बैठे करेंगे क्या। पटना में ऑटो वाले ऐसे डिमांड करते हैं कि अगर आप बात नहीं करो तो आपको तो अच्छा खासा अमाउंट मारेंगे। 250-300 के नीचे बात नहीं करते। फिर भी हम 170 में आए। वैसे नहीं आज की सीट कंफर्म नहीं है। मेरी सीट तो विंडो सीट बुक किया था, आलम के लिए मेरे बगल में स्पेशली बुक किया, बट नियाज के लिए हम लोगों ने सीट नहीं बुक किया, तो उसके लिए सीट हम लोग के बगल में अरेंज करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग हैं वॉशरूम में, मुंह हाथ धोते हैं, बहुत हालत ख़राब है, काला काला लग गया मुंह पे। फाइनली सारी चेकिंग बोर्डिंग वोडिंग सब करवा लिए, फ्लाइट के लिए अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो बैठते हैं। थोड़ा मैं अपने सारे कैमरा के डेटा अपने लैपटॉप में ले लेता हूँ, देन फिर जाते हैं फ्लाइट में। अच्छा हो कि हम लोगों ने चेकआउट और बोर्डिंग पहले ही करवा लिया, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा थी। बाहर घूमने का प्लान था कि हम लोग बाहर घूमते एयरपोर्ट के, बट अच्छा हो गया मैंने बोला चेकिंग करवा लेते, अगर जाते और एंड टाइम पे आते तो लाइन इतनी थी कि शायद मिस होने का भी चांसेस थे हमारे पास। सो रहा है ब्लॉगर। फाइनली फ्लाइट में बैठ गए हम। फ्लाइट हमारी 45 मिनट्स डिले है, 2:15 का टाइम था, बट 2:15 को हम लोग अभी अंदर आ रहे हैं। हाफ एन आवर 45 मिनट्स का डिले हमारी फ्लाइट, ऑलरेडी अनाउंस किया था। सुबह 4 बजे उठे थे हम लोग एंड 5 बजे निकले, तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, तो मैं सो गया था और ये लोग मजे कर रहे थे। ये लोग कैसा लग रहा है फ्लाइट में बैठ के? मिनी आज बहुत बोरिंग लग रहा है रुपेश के साथ, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ रुपेश के साथ। अच्छा एक्चुअली मैं बहुत बोरिंग ही हूँ, इन लोगों को बोरिंग लगेगा इसीलिए इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से निकला बस में जाना था और फिर हम लोग फ्लाइट के पास लेके आते थे, तो मेरा जो सेटिंग था कि कैमरा मोड पे चलेगा, फोटो मोड पे, मैंने सोचा वीडियो मोड पे, तो मैंने उसका बटन दबाया, मेरे को लगा वीडियो शूट हो रहा है, और मैं फ्लाइट के अंदर घुस गया तो मेरे को पता चला वो फोटो मोड पे ही है। इतना दिमाग ख़राब हुआ ना कि मेरा वो सीन ही कैप्चर नहीं हुआ, उसका फ़ोटो निकला। फिर मैंने कहा अच्छा हुआ कि एंट्री लेने से पहले ही पता चल गया कि फोटो मोड पे, इमीडिएटली मैंने सेटिंग इसकी चेंज किया, वीडियो मोड पर डाला। मैं चाह रहा था कि वो बस वाला भी सीन आ जाता, बट क्या कर सकते हो, सेटिंग ही चेंज हो गई। इतना दिमाग ख़राब होना मेरा, क्या बोल सकते। फ्लाइट टेक ऑफ होने दो तो आप लोगों को बाहर और ऊपर का नज़ारा भी दिखाता हूँ, अच्छा लगेगा। तो मेरा पहला ब्लॉग जिसने इसने देखा था, उसमें मैंने फ्लाइट के ऊपर और फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड का वीडियो निकाला, तो आप लोगों ने देखा। अगर नहीं देखा तो यहाँ पर मैंने आई बटन पर लिंक दे दी, जाके देख लेना। ये था लास्ट डे इन पटना, बट अभी जब तक हमारी फ़्लाइट मुंबई पहुंचती है तब तक मैं आप लोग को एक दिन पीछे लेके चलता हूँ, day 4 में क्या हुआ था। तो day 4 में थी मीराज की शादी। ट्रिम करवा लेता हूँ क्योंकि कल शादी है, थोड़ा स्मार्ट मेरे को भी दिखना है। हेलो एवरीवन, तो आज मीराज की शादी में आए हैं हम लोग। मैंने सुबह का ब्लॉग नहीं बनाया बिकॉज हम लोग बहुत बिजी थे तैयारी करने में, निकलने में, 2 दिन से एंजॉय की, अब फाइनली शादी का दिन है। सो आप लोग को मिलाता हूँ मीराज से मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने छोटा सा एक वीडियो तो ले चुका हूँ। सो हम लोग ने नाश्ता भी कर लिया है। शादी मुबारक मीराज, फाइनली मीराज की शादी हो गई है। तो कैसा लग रहा है मीराज देखो? बहुत अच्छा लग रहा है, वो अपने फीलिंग्स बता नहीं सकता कैमरा के सामने। सो आप लोग समझ, आलम भाई जो मुनीम बने हैं कैसा लगा? सर वायरल बॉय हमारे, फाइनली मीराज की शादी हो चुकी है, तो आज धमाल करना है कि नहीं करना? धमाल करना है, हम लोग धमाल के फुल प्लानिंग में आए हैं। वैसे यहाँ पे ऑलरेडी धमाल कर चुके, बम फोड़ गए। हम लोग पहुंच गए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नियाज को बहुत शौक था कैमरा के सामने आने का, ले बोल 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 क्या बोलना था बोल। फाइनली हम पहुंच गए, मेरे को मालूम था तेरे को यही बोलना करके। फ्लाइट ना बहुत फेमस है। हाँ, फाइनली वर्ड तो फाइनली मेरा टैगलाइन बन गया अभी, वो तो पता रहेगा इन लोगों को। एंड फ्लाइट इतनी डिले थी ना, 5:30 बज रहे हैं जबकि हम लोग को उतरना था 3:30-4 बजे, 1.5 घंटे की डिले थी। बहुत जोर की भूख लगी हम लोग को, सो हम लोग एक होटल में जाएंगे कुछ खाने के लिए, उसके बाद घर पे जाएंगे। प्लानिंग था डायरेक्ट घर पे जाके खाएंगे, बट घर पे नहीं जाएंगे, पहले बहुत ज़्यादा जोर की भूख लगी मुझे। मैंने आलम को बोला हम लोग जाके पहले एक होटल में नाश्ता या कुछ खाना वाना खाएंगे अच्छा हेल्दी वाला, उसके बाद घर पे जाएंगे। फिर आप लोग को हम लोग मिलते हैं कुछ अच्छे से होटल में। फाइनली एयरपोर्ट से हम लोग आए साइन के होटल में, आई थिंक हाईवे पे ही है,
चेकास करके नाम है, बहुत भूख लगी थी हम लोग कुछ ऑर्डर किए हैं कब सा राइस कि जब तक वो पेट में जाएगा नहीं सर पे जाऊंगा नहीं। सुबह निकले थे हम लोग 5 बजे, उसके बाद आई थिंक कुछ खाए थे अपना, हाँ नाश्ता किए थे पटना बस स्टैंड पे नाश्ता किए थे हम लोग, उसके बाद अब भी खा रहे हैं, मतलब हो गया मतलब पूरा दिन कम्प्लीट होने के लिए। आ गया मेरा कब्सा राइस, मैं खाता हूँ फिर आप लोग को मिलता है। सो फाइनली टैक्सी मिल गई है मुझे, सो अब जा रहा हूँ घर पे, बहुत थक गया हूँ, तो अभी ब्लॉग करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है मेरी। सो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत किया था, और कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपके क्या सजेशन है और आप लोग और मेरे ब्लॉग में क्या देखना चाहते हैं, और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन प्रेस कर लेना, उसमें मेरे आने वाले न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है। एंड एज आई से डोंट जस्ट ड्रीम, प्लान योर ड्रीम, वर्क मोर एंड मोर हार्ड, रिजल्ट आज नहीं तो कल आप लोग को मिलेगा ज़रूर, तब तक के लिए डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू माई गुड फ्रेंड्स, बाय, अब मिलता हूँ आपको एक नए फ्रेश व्लॉग में बाद में। ईद मुबारक, हाँ ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, शादी मुबारक हो।